सुहेल मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्टूडेंट के बारे में। हमारे पास एक कमेंट आता है जिसमें ये लिखा रहता है कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा निवेश करना है, तो हम किस फंड की तरफ जा सकते हैं, कौन सा फंड हमारे लिए अच्छा रहेगा और हमें यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो लमसम अमाउंट एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, तो हमारे लिए कोई अच्छा सा फंड बताइए और हमें कुछ इसके बारे में बताइए। तो चलिए बिना देर के आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट के लिए क्या म्यूचुअल फंड सही है या फिर सही नहीं है। अगर सही है तो कौन सा फंड सही है और ये 10,000 रुपये फंड के अंदर में डालते हैं तो इनको क्या मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात ये आती है कि क्या एक स्टूडेंट के लिए म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, देखा जाए, जब आपकी एज 18 साल हो जाती है, जब आप आधार और पैन कार्ड को बना लेते हैं, एक डीमैट अकाउंट को खोल लेते हैं, तो आपको ये पूरा अधिकार मिल जाता है, चाहे आप स्टूडेंट रहे या फिर आप कोई भी काम करने वाले रहे या फिर जो भी रहे, आपकी एज 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो आपको इतना अधिकार मिलता है कि आपके पास जो भी पैसे हैं उस पैसे को आप म्यूचुअल फंड के अंदर में निवेश कर सकते हैं। अब देखिए, ये मायने नहीं रखता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम एक स्टूडेंट है, ठीक है, हमारी पढ़ाई एक जगह पे है जो कि हमें करनी है, लेकिन हर किसी का एक मकसद होता है पैसा, ठीक है। हम पढ़ाई भी करते हैं तो नॉलेज के लिए, और हम उस नॉलेज से पैसे को ही कमाते हैं, तो ये जरूरी है कि हमें पैसे के बारे में ज्ञान होनी चाहिए। तो अगर आप इस एज में भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा निवेश करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है। और किस फंड में आप निवेश करेंगे, ये फंड तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि अगर आप 10,000 रुपया फंड के अंदर में डाल देते हैं तो आपको कितना पैसा बन जाएगा। लेकिन उससे पहले दो सवाल आते हैं। एक सवाल ये आता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, मैं जो पैसे को डाल रहा हूँ इस पैसे के मुझे कब जरूरत पड़ने वाली है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस पैसे को डाल रहा हूँ इस पैसे की जरूरत मुझे महीना, दिन, 2 महीना बाद, साल भर के अंदर में जरूरत पड़ जाए? तो देखिए, अभी ही मैं बता दूँ कि अगर आपका ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन हम कहते हैं कि कब तक हम पैसे को रहने देंगे, तो अगर महीना, दिन, 2 महीना, 6 महीना, साल भर है, तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसे को मत डालिए, ठीक है, क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप थोड़ा दिन पैसे को रहने देंगे, जैसे कि आप 3 साल रहने देंगे, 5 साल रहने देंगे या फिर उससे ज्यादा जितना वक्त तक रहने देंगे, तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ आइए। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक है। रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो भी पैसा हम निवेश करते हैं वो शेयर बाजार में निवेश किया जाता है, अलग अलग कंपनी में जाता है, तो वहां पे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, हमें रिटर्न्स भी मिल सकते हैं और हमारा पैसा जो है वो निगेटिव में भी जा सकता है, तो ये चीज आप समझिए। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि हम जो भी पैसे को डाल रहे हैं इस पैसे की हमें फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन अभी 4 से 5 सालों के अंदर में जरूरत नहीं पड़ेगी, तो दोनों क्राइटेरिया के लिए अलग अलग फंड होते हैं। जैसे आप जितना ज्यादा वक्त देंगे उतने आप रिस्की फंड की तरफ जा सकते हैं, और जितना आप कम वक्त देंगे उतने आपको कम रिस्की फंड की तरफ आपको जाना है। तो चलिए बिना देर किए आज इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और हम फंड को यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे SBI का दो फंड्स बताने वाला हूँ, ठीक है, और दोनों के बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहला है हमारा उनके लिए, ठीक है, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, जिनका गोल ये है कि हम 5 सालों तक छोड़ेंगे। 10,000 रुपये आज वो डाल रहे, हो सकता है कि महीना, दिन, साल भर के बाद उनके पास और 10,000 वो जमा कर लें, तो वो और भी डालते रहेंगे। तो पहला है हमारा SBI का स्मॉल कैप फंड। अभी मैं सारी बात आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, स्मॉल कैप फंड। देखिए, इस फंड की तरफ आप जाइएगा तो आपको जो ये फंड प्रॉफिट जो बना करके देगा, यानी कि रिटर्न जो आपका फायदा होगा, ये फंड जब से आया है तब से इसका एक एवरेज डाटा हम देखें तो ये 27.07% का रिटर्न्स लोगों को एक एवरेज रिटर्न्स बना करके दे रहा है, ठीक है, जब से ये आया है तब से। तो अगर आप इस फंड की तरफ आएंगे तो आपको भी इसी तरीके का रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलेगा, भले आप 10,000 निवेश कीजिए या फिर आप 10 लाख निवेश कीजिए, ठीक है, रिटर्न्स उसी तेजी से आपका बढ़ेगा। अब ये भी आप जानिए कि आपके पैसे को कहाँ लगाया जा रहा है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो देखिए, एक चीज होता है मार्केट रैंकिंग, ठीक है, मार्केट रैंकिंग होता है जो कि हर एक कंपनी को रैंकिंग दिया जाता है, तो जिस कंपनी की रैंकिंग 251 से लेकर के 500 के बीच में है वैसे कंपनी के अंदर में सिंपल आपके पैसे को लगाया जाएगा। तो इस फंड की तरफ वही लोग जाएंगे जो 5 साल से ज्यादा दिन तक पैसे को रहने देंगे, ठीक है, क्लियर ये बात आप जानिए। अब मैं आपके सामने में एक दूसरा फंड बताता हूँ। दूसरा फंड थोड़ा सा म्यूचुअल फंड है तो रिस्की तो है ही, लेकिन फिर भी इससे जो फंड है वो बेहतर है। दूसरा फंड हमें देखने को मिलता है SBI का कॉन्ट्रा फंड, ठीक है,
SBI का कॉन्ट्रा फंड, जिस फंड के ऊपर काफी ज्यादा लोग विश्वास कर रहे हैं और इस फंड के आए हुए लगभग 25 साल हो गए, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारे पैसे को कहाँ लगाता है, उससे पहले हम देखते हैं कि ये हमें रिटर्न्स कितना का बना के दे रहा है, ठीक है, हमारा प्रॉफिट कितना होगा। तो मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि जब से ये आया है तब से एक एवरेज रिटर्न्स जो बना करके दे रहा है ये लोगों को, ये 19% का बना करके दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि ये कम जोखिम उठा रहा है, कम रिस्क उठा रहा है, जिस वजह से ये कम रिस्क लोगों को बना करके दे रहा है, उससे थोड़ा सा ये सेफ हो जाता है। अब आप ये जानिए कि ये कहाँ पे पैसे को लगा रहा है, तो हर एक म्यूचुअल फंड है, एक सेबी जो है ऊपर बैठा हुआ है, उसके रूल को ये सभी फॉलो करता है। तो उसके लिए स्मॉल कैप के लिए तो ये रूल है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो कॉन्ट्रा फंड है, इसके लिए रूल ये है कि ये जो फंड मैनेजर इस फंड के है, ये उन्हीं कंपनी के अंदर में पैसे को लगाते हैं जो कंपनी आज के वक्त में अच्छा परफॉर्म ना कर रही है, ठीक है। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका मार्केट में हर एक चीज अच्छा है, उसके प्रोडक्ट अच्छा है, उसके सर्विस अच्छा है, उसका हर एक चीज अच्छा है, लेकिन किसी वजह से वो आज जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वैसी जगहों पे आपके पैसे को लगाया जा रहा है। उस जगह पे लगाने से ये लोग सस्ते दामों पे जो है वो ज्यादा चीजों को खरीद लेते हैं, और उन्होंने गिरी स्थिति में पैसा को लगाया है तो मार्केट तो ऊपर जाना तय है। जब मार्केट ऊपर जाता है तो अच्छे रिटर्न से बना करके देते हैं। स्मॉल कैप कैटेगरी से कम रिस्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो सेबी का ये यहाँ पे रूल है। अब हम देख लेते हैं कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर फंड के अंदर में 10,000 रुपये लगाता है, जैसे स्टूडेंट की बात हो रही है, तो वो लगाता है तो उसे क्या बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेगा। तो पहला तो 5 साल से ज्यादा तक जो है वो इधर जाएगा, और 5 साल से कम ड्यूरेशन है, और यहाँ पे भी साल भर से ज्यादा ड्यूरेशन आप ले करके चलिएगा, ठीक है। ऐसे तो 3 साल 4 साल आप चलाते तो बेहतर रहता, और बेहतर वही कीजिएगा कि आप उतने दिनों तक चलाइएगा, तो इधर जाइएगा। मान के चलिए कि लमसम अमाउंट हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, लमसम अमाउंट हम यहाँ पे 10,000 रुपये जो है वो निवेश करते हैं, तो हमारा यहाँ पे कितना बनने वाला है। SBI स्मॉल कैप फंड की अगर हम बात करें, तो अगर इस फंड के अंदर में आप 10,000 रुपये को निवेश किए होते, मान लीजिए कि आपने 5 सालों के लिए निवेश किया, या फिर आप थोड़ा और वक्त देकर के आप 10 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो SBI के अंदर में जो स्मॉल कैप कैटेगरीज है उसमें आप निवेश किए होते हैं 10,000 रुपये को, और हम रिटर्न्स मान के चलते हैं कि हमें यहाँ से 22% का मिला है, हालांकि यहाँ पे हमें 25% का मिला है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें फ्यूचर में 22% का रिटर्न्स मिलेगा। 27% मिलेगा तो और अच्छी बात है, लेकिन 22% का मिला, तो 5 सालों के बाद हमारे 10,000 रुपये की क्या वैल्यू बन जाएगी। तो 10,000 रुपये हमारा यहाँ पे 27,000 रुपये जो है वो बन जाएगा, ठीक है, के का मतलब 1,000 होता है, समझ के चलिए। तो 27,000 रुपये आपका जो है वो 5 सालों के बाद बन जाएगा, कितना, 22% रिटर्न से। और देखिए यहाँ SBI का कॉन्ट्रा फंड भी है, तो इसने 19% का लोगों को रिटर्न बना करके दिया। इसमें भी हम थोड़ा सा कम लेकर के चलते हैं कि अगर आपको यहाँ पे 18% का मिलता है, यहाँ देखिए हमने 5% माइनस कर दिया रिटर्न को, और यहाँ पे हमने 1% किया, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम है और वहां पे ज्यादा है। मान के चलिए कि आपको 18% का जो है वो यहाँ पे मिल जाता है रिटर्न, तो आपका जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो 22,000 रुपये बनेगा, ठीक है, इतना का डिफरेंस आपको है। अब आप सोचिए आपको 27% मिल जाता है, तो आपका ये जो 27,000 है ये आपका 35,000 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आप देखिए यहाँ पे 10 सालों के बाद आपके इन्हीं पैसों की क्या वैल्यू बनेगी। अगर 22% से हमको मिल रहा है, तो 10 साल के बाद 73,000 रुपये हमारा वही 10,000 रुपये हो जाएगा, 73,000, और 18% से हमको मिल रहे हैं, तो 18% से 10,000 की वैल्यू 10 साल के बाद जो बन जाएगी वो है 52,000 रुपये, ठीक है, 52,000 रुपये आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप इस फंड के अंदर में निवेश करते हैं और आपको इतने का भी रिटर्न मिल जाता है, तो आपका पैसा जो है वो इतना बन पाएगा। तो इससे आपने एक केवल आंकड़ा लगा सकते हैं कि हाँ हम पैसे को निवेश करेंगे तो पैसा बढ़ पाएगा, लेकिन देखिए आप एक स्टूडेंट है, तो आप सोच समझ करके पैसे को लगाइए। हो सकता है कि उस पैसे की जरूरत आपको आपके पढ़ाई में लग पड़ जाए, या फिर आपको कोई जॉब मिलती है तो उसमें लग जाए, लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपको जाना है, आपको लगता है कि पैसे की हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं पड़ने वाली है, तो आप जा सकते हैं। बाकी मैंने जानकारी जो मेरे से हो सकता था वो मैं आपको दे दिया हूँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई। दोस्तों जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को वारिस ऑफ फाइनेंस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।